हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे, ये देखिए, गुड़ वाली टिक्की। मैंने 200 ग्राम गुड़ लिया है, 250 ग्राम गुड़ है ये। मैंने अभी इसको तोड़ना बाकी है, डाल दूंगी छोटे छोटे पीसेस कर। काट लीजिए तुम गुड़ को, फिर डालिए कढ़ाई में। ये देखिए 200 ग्राम मूंगफली है, 200 से 250 ग्राम है। और इसके लिए हमने घी लिया है, देसी घी। आपके पास तेल है तो तेल भी ले सकती हैं, अगर घी डालना चाहती है तो घी डालिए, या तो तेल भी डाल सकती हैं। अभी हम मूंगफली की चिक्की बनाएंगे। इसको मैंने भून लिया है, देख सकते हैं, ऐसे भून लीजिए इसको। इसका छिलका हम अभी सब उतार देंगे और हम गुड़ पिघलने के लिए कढ़ाई में डालेंगे। ये देखिए, हमने कढ़ाई गर्म होने के लिए रख दिया है। अभी हम इसमें गुड़ डाल, सबसे पहले इसमें हम घी डालेंगे। घी डालने से क्या रहेगा, चिक्की आपकी बहुत ही अच्छी बनेगी, पूरा घी लग जाएगा इसमें। अभी हम इसमें गुड़ डाल देंगे अपना। इसमें पानी हम ज़्यादा नहीं डालेंगे, पानी डालने से खराब हो जाता है चिक्की, इसलिए एकदम थोड़ा सा इतना सा पानी डालेंगे, मतलब बस हमको थोड़ा सा ही पानी लगेगा। अभी हम गुड़ को पिघला लेंगे। देखिए गुड़ एकदम पिघल जाएगा, तब मैं आपको दिखाती हूँ। ऐसे चलाते रहिए तो गुड़ पिघल जाएगा, कम आँच पे ही, आँच को धीमा रखें। ये देखिए गुड़ एकदम पिघल गया है, झाग भी आ गया है। ये देखिए इसी तरीके से गुड़ को चलाते रहेंगे। थोड़ा सा और पकेगा जब ये, तब हम इसको टेस्ट कर लेंगे, मतलब चेक करेंगे कि इसकी गोली बन रही है नहीं, दो तार की चाशनी बन रही है नहीं। जब दो तार की चाशनी और गोला बनने लगेगा ऐसे, तब हम इसको गैस बंद कर देंगे और ये परफेक्ट आपका चिक्की बन के तैयार होएगा। ऐसे हिलाते रहिए। ये देखिए कितना अच्छा सा ये बबल्स आ रहा है, इसको आप चलाते रहिए, नहीं तो नीचे से गुड़ जल भी सकता है। इसको ऐसे चलाते रहेंगे हम। मोटे तले वाला कढ़ाई लीजिए, लोखंड आयरन का, या फिर नॉनस्टिक का पैन लेंगे तो नहीं चिपकेगा आपका। ऐसे ऐसे चलाते रहिए। बहुत ही अच्छा बन के चिक्की रेडी होता है, ठंड के दिनों में बहुत ही अच्छा चिक्की लगता है खाने में। ये देखिए मैंने मूंगफली के सारे छिलके निकाल लिए हैं, एक दो रह गया है, कोई नहीं, आप निकालना चाहे तो निकाल भी सकती हैं। ये देखिए आसानी से निकल जाएगा, ऐसे निकाल लीजिए छिलका। और प्लेट में तेल पहले से ग्रीस कर लीजिए, ताकि बाद में आपको टाइम नहीं मिलेगा लगाने के लिए, इसलिए फटाफट इसको ग्रीस करके रखिए। इसी में हमको डालना है चिक्की को। ये देखिए काफ़ी ज़्यादा बबल्स आ गया है इसमें, ये अभी पक गया है। ये देखिए कढ़ाई भी छोड़ रहा है, इसका मतलब ये पक गया है। ये देखिए अभी हम इसको पानी में डाल के चेक करते हैं। ये देखिए पानी में मैंने डाला है इसका, देखिए इसी तरीके से ऐसा गोली बन रहा है। देखिए इसी तरीके से बनेगा, तभी आपका समझ लीजिए बन गया है, ये पक गया है गुड़, चिक्की बनने के लिए रेडी हो गया है। अभी इसको हम इसी में वापस डाल देंगे। अभी हम इसमें सिंगदाना डाल देंगे अपना, मूंगफली डाल देंगे, फटाफट डालेंगे, फटाफट चला के इसमें हम तुरंत मिला देंगे। मिलाने के बाद आप तुरंत प्लेट में इसको ट्रांसफ़र कर दीजिए। ये देखिए अभी हम सारा मूंगफली इसमें थोड़ा थोड़ा करके डालते जाएंगे और मिलाते जाएंगे। ऐसे मिलाते रहिए और डालते रहिए। पूरा डाल दीजिए चिक्की को, सिंगदाने को, और मिला लीजिए अच्छे से। ये देखिए अभी हम इसको प्लेट में ट्रांसफ़र करके आपको दिखाती हूँ। बहुत ही गर्म है, लावे की तरह गर्म रहता है गुड़, इसलिए बहुत केयरफुल से करिए, हाथ ना जले आपका। अभी हम इसको प्लेट में ट्रांसफ़र करके आपको दिखाती हूँ। बस ऐसे जमा दीजिए, आधे घंटे के लिए छोड़ दीजिए, ये रूम टेम्परेचर पे ही ठंडा हो जाएगा।
उसके बाद आप इसको काट लीजिए। ये देखिए कितना अच्छा सा ये मैंने सेट होने के लिए रख दिया है। जैसे ये ठंडा होएगा ऐसे इसको आप पलट देंगी, बस ऐसे प्लेटफॉर्म पे के ऊपर ऐसे पलट देंगी तो ये निकल आएगा, या फिर चक्कू से आप नाइफ से पहले से कट कर दीजिए, ऐसे कट का निशान लगा दीजिए। अभी ये गर्म है देख लीजिए, इसलिए मैं नहीं लगा रही हूँ, बहुत गर्म है। आप कट करके निशान लगा दीजिए, ये आसानी से उसी निशान के वजह से छोटे छोटे पीसेस में निकल आएगा। इसी तरीके से आप चिक्की बनाइए, बहुत ही टेस्टी और अच्छा बनेगा। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कीजिए। अगर आप मेरे वीडियो पे पहली बार हैं, नए हैं, तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा।